A train takes 35 seconds to cross a signal which is at one end of the bridge of 143 meters long. If the train takes 78 seconds to cross the bridge, then know the length of a train. Okay, देखिए क्या बोला है, one end of the bridge, यानी कि one end of the bridge ही train का length होगा ना. तो पहले का लेंथ मतलब यहाँ पे x है और आधा लेंथ मेरा गिवन है, वन एंड बोला है 473, ये माना मैंने पूरा ट्रेन का लेंथ. ओके, ये है मेरा क्या पूरा ट्रेन का लेंथ, ये ब्रिज का लेंथ और ये आधा ट्रेन का लेंथ, मतलब पूरा ब्रिज का लेंथ को ये ट्रेन का लेंथ मानते हैं ना. तो देखिए फॉर्मूला में डायरेक्ट बिठा देंगे, क्या बोला है, पहले हाफ लेंथ को कितना में किया, 35 में किया, जो कि मुझे उसका वैल्यू पता नहीं है. तो पहले मुझे क्या ढूंढूँ, मेरे पास टाइम दिया है और डिस्टेंस लेंथ दिया है, तो मैं स्पीड का फार्मूला लगा के निकाल सकता हूँ. स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, पहले का डिस्टेंस मुझे पता नहीं है एक्स माना, बाय टाइम मेरा 35 है पहले का, ये इक्वल है मेरा. देखिए सेकेंड में 483 मीटर जा रहा है, 483 मीटर मतलब लेंथ है ब्रिज का. तो ट्रेन का लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ इक्वल टू कितना में जा रहा है, सेकेंड में 78 में जा रहा है. अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे, आपका पूरा ट्रेन लेंथ ऑफ अ ट्रेन आ जाएगा. ओके, तो चलिए मार दिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 78x इक्वल्स टू 35x प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 16555, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 78 माइनस 35 43x हो जाएगा इक्वल टू 16555. अब यहाँ से मेरे एक्स इक्वल्स टू 16555 बाई 43 से अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा तो मेरा कितना टाइम्स आ जाएगा, 385. ओके, डिवाइड करने पर 385 आ जाएगा, 385 मीटर मेरा ट्रेन का लेंथ होगा. थैंक यू.